जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे सीटेट में निकली रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड, इसमें जो वैकेंसी निकली है आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अप्लाई के बारे में भी। ठीक है, तो आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी और डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल लर्निंग टाइम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं इस वैकेंसी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको कैरियर सेक्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखते हैं वैकेंसी है, करंट जॉब अपॉर्चुनिटी पे आपके यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको देखिए देखने को मिलेगा वैकेंसी के बारे में। सीटेक इनवाइट करता ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरियस कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन ऑल लेवल ऑफ सेंटर लोकेशन अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रायमरी थर्मोमीटर ट्रस्ट एरिया, यहाँ पे मिशन आपका मोड प्रोग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं सीटेक आपको इन्वाइट करता ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन ऑल लेवल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका शुड बी अ प्रोसेस एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन डोमेन एरिया यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके डोमेन एरिया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी नंबर पोस्ट 50 है, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे, टीवीएम, आपका जम्मू, पटना, सिलचर, ये है यहाँ पे जिसके लिए आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे सामने है, उसके लिंक आप दे सकते हैं और डिटेल अप्लाई पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर की सेम, ठीक है, बेंगलोर से स्टार्ट सिलचर तक है, सेम यहाँ पे रहेगा प्लेस। यहाँ पे 400 वैकेंसी है और प्रोजेक्ट मैनेजर की 50 है और 150 सीनियर मैनेजर की और मॉड्यूल लीड और प्रोजेक्ट लीड की। ठीक है, सेम आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं और बाकी आप दे सकते हैं इनके बारे में, इनके आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है, तो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म ऑफ एंगेजमेंट द पोजिशन आपको देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। ठीक है, इनिशियल आपका रहेगा 3 साल का। जो प्रोजेक्ट विच वेयर अर्लियर टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट मे बी असाइंड टू अनदर प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मे बी कंसिडर एक्सटेंशन फॉर फर्दर पीरियड के लिए आपके एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द कैंडिडेट इंगेज आपका अंडर दिस सेल ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल नॉट बी ड्राइव एनी राइट। सीटेक इज इन्वॉल्व इज इन प्रोजेक्ट एट वेरियस लोकेशन अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे सकते हैं फॉर ऑल द पोस्ट इंडिकेट द कैंडिडेट शुड हैव, यहाँ पे AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, कॉलेज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इन द केस यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉलोइंग आपका जो है एवेल्यूशन सिस्टम जिसमें CGPA, DGPA, OGPA, आपका लेटर ग्रेड जो भी आपका एप्लीकेबल है, मैंडेटेड टू कैंडिडेट सबमिट प्रूफ, यहाँ पे आपको परसेंटेज का प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे आप कैंडिडेट प्रोसेसिंग रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे एकेडमिक टीचिंग रिसर्च वर्क इज नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क प्लेस आर पार्ट ऑफ एकेडमिक सर्कुलेशन विल नॉट बी कंसिडर। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस एक्सप्लेन द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशू बाय द प्रीवियस एंड प्रेजेंट आपका एम्प्लॉय। ठीक है, क्लियरली इंडिकेट पीरियड ऑफ एम्प्लॉय सैलरी ड्रॉइन एंड पोस्ट हेल्ड। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, अपर एज लिमिट दे रखी है यहाँ पे, आप बाकी आपके आप दे सकते हैं जानकारी, एप्लीकेशन फिजिकली डिसेबल्ड है, एज रिलेक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 5 साल का रिलेक्शन है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, द कैंडिडेट शुड बी मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब द मिनिमम आपको दे रखा है उसके अनुसार। एप्लीकेशन यहाँ पे कोई फीस नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दे सकते हैं बाकी। ठीक, हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डिटेल है, 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू डिटेल आपको जल्द ईमेल के माध्यम से बताई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी डिटेल दे रखी है और यहाँ पे आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ प्रोजेक्ट इंजीनियर की, यहाँ पे डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आयु दे रखी है 35, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देगा BE/BTECH 60% या CGPA, पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में है, CGPA 60%, MEMTECH इन डिग्री, PhD रिलेवेंट डिसिप्लिन, 0 से 4 साल का एक्सपीरियंस, आपका स्किल आपको सेट दे रखा है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको सैलरी दे रखी है। ठीक है, जो रहेगी 4.49 इनिशियल ग्रेड रहेगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं एक एक करके सबकी डिटेल बता दूँ फिर हम आगे चलेंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट पे। यहाँ पे आपको देखने को मिला 50 वैकेंसियां हैं, 30 इंजीनियरिंग की बी बी टेक या पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन में एम ई एम टेक या पी एच डी डिग्री। यहाँ पे आपको देखिए स्किल टेस्ट दे रखा है सेट, यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में दे रखा है और सैलरी दे रखी 3.6 से 5.0 और अप टू 3 साल का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आपको डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर की है, तो यहाँ पे मैं इस पर दिखाता हूँ। आयु यहाँ पे 56 दे रखी है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 50 है, बी बी टेक 60%, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस यहाँ पे 60%, एम ई एम टेक पी एच डी 9 से 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रखा है। आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, प्रोग्राम मैनेजर और आपका प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर, नॉलेज पार्टनर, ये सब यहाँ पे आपको दे रखा है। सैलरी यहाँ पे 12.63 से 22 रहेगी, 3 साल का इनिशियल पीरियड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है सीनियर मैनेजर की 150 वैकेंसी है, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। 150 है, 56 आयु दे रखी है, यहाँ पे बी बी टेक पोस्ट ग्रेजुएशन एम ई एम टेक पी एच डी 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे स्किल सेट और सीनियर मैनेजर के प्रोजेक्ट इंजीनियर की आपका जो है मॉड्यूल लीड के बारे में, प्रोजेक्ट लीड के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। सैलरी 8.4 से लेकर 14 अप टू 3, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल दे रखी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं देखिए इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 0 से 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। और उसके बारे में लिस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देखिए जानकारी स्टार्ट हो जाएगी। पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस और रेफरेंस और रिव्यू, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए प्रेफरेंस किसे देना चाहे, मैं दिल्ली चुन लिया सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद मैं चुन लेता हूँ नोएडा, अपने अनुसार आप यहाँ पे चुन लीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे चुन लेता हूँ कोलकाता, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे टाइटल आप यहाँ पे दीजिए, एप्लीकेशन का नाम, फादर नेम, यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल है जानकारी देंगे, ठीक है। यहाँ पे दे सकते सिंगल है मैरिड है यहाँ पे जानकारी देंगे, नागरिकता भारतीय बताएंगे, कंट्री यहाँ पे ठीक है इंडियन है। यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड कर देंगे जो कि आप देख सकते हैं 50 KB की, और कैटेगरी यहाँ पे यूआर ओबीसी एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार, फिजिकल चैलेंजेस यस या नो करके बताएं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी, एज यहाँ पे आ जाएगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस या नो करना है, एक्स सर्विस मैंने यस या नो करना है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिलीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं यू नो कर देता हूँ। आपका सी टेक के एम्प्लॉई है तो यहाँ पे बताएं टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी जानकारी यहाँ पे दे, एम्प्लॉयमेंट आईडी यहाँ पे दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देना है, सिटी आपका जिप, और यहाँ पे आप देखते हैं स्टेट यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे मैं इंडिया चुन लेता हूँ अपना, ठीक है। तो इंडिया मैंने यहाँ से चुन लिया, सिटी मैंने यहाँ पे चुन लूंगा, ठीक है, इस तरह सॉरी स्टेट यहाँ पे चुन लूंगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे अपने सिटी और जानकारी अन्य जानकारी यहाँ पे दे देंगे, परमानेंट डेट दोनों सेम है तो उस पर क्लिक कर दे, सेव एज ड्राफ्ट पर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, तो उस तरीके से यहाँ पे आपकी जो पहली डिटेल है वो सेव हो जाती है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरी डिटेल जो सेव हो चुकी है ओके पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए फिर क्वालिफिकेशन आ रही है, आपकी देखिए अपनी क्वालिफिकेशन देनी है जो भी आपकी है, एम ई एम टेक है, बी सी ए, एम सी ए, जो भी है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पे इस तरीके से दे क्वालिफिकेशन नेम, स्पेशलाइजेशन एरिया कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एटमोस्फियर साइंस दे दिया है, और यूनिवर्सिटी आपका पासिंग डेट परसेंटेज और रैंक डिस्ट्रिक्ट क्या है यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्शन है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे एकेडमिक प्रोफेशन क्वालिफिकेशन, बिगनिंग विद ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग डेट और ये सब यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। और एक साथ देखें तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन को, पेपर पब्लिकेशन है, प्रेजेंटेशन है 500 वर्ड में, सिग्निफिकेशन अचीवमेंट है, एसोसिएट एंड एप्लीकेशन का आपका जो प्रोफेशनल बॉडी है वो सब यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्क एक्सपीरियंस है आपका, जिस संस्था में काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, किस पद पर थे, ग्रेड क्या थी या सैलरी क्या लेते थे, कब से लेकर कब तक काम किया और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। इसी तरह प्रीवियस है कोई तो यहाँ पे दे सकते हैं डेजिग्नेशन, सैलरी सेम, एक से अधिक है और आपकी है तो ऐड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाएगा। स्किल सेट आपका पीरियड आपका एक्सपीरियंस, सेपरेट स्किल यहाँ पे आप दे सकते हैं विद, आप यहाँ पे सेपरेट आप कर सकते हैं विद सेट ऑफ कॉमन
सेवन ड्राफ्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका आपका रेफरेंस और प्रीव्यू देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड इसके बाद देखिए और रेफरेंस और डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका रेफरेंस फ्रॉम रिलेटिव फ्रेंड शुड बी अवॉइड, ठीक है, जो आपके कलीग हो और यहाँ पे उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, जो आपके साथ काम किया हो उनके बारे में जानकारी दे सके, ठीक है। नेम ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप देना है, एड्रेस यहाँ पे बताना है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड रेफरेंस यहाँ पे आप दे सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड एनी अदर इन्फॉर्मेशन मे हैव नॉट बी कवर्ड एप्लीकेशन फॉर्म सपोर्टेड योर एप्लीकेशन। यहाँ पे आप कोई अन्य जानकारी देना चाहते हो वो दे सकते हैं, जो कि आपको दे सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में ना हो, कवर में ना हो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे और यहाँ पे आपका ये दे सकते हैं प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा और फाइनल में आप जाके सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताई फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी वैकेंसी भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो हम उसके बारे में एक बार और जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें सीनियर प्रोजेक्ट आपकी ये अप्लाई पे कर देख लेते हैं किस तरीके से रहेगी। यहाँ पे आपको देखिए पूरी डिटेल दे रखी है 3 से 7, ठीक है, बाकी आप अन्य डिटेल देख ले। यहाँ पे अप्लाई पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सेम इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपकी डिटेल है। आपको सबसे पहले प्रेफरेंट लोकेशन सेम, आपको जो भी चुनना है वो चुन लें, इस तरीके से नाम, ये सब फोटो, अपनी सिग्नेचर, सारी चीज़ें ये सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, रेफरेंस है और प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज़ें सेम है फ्रेंड, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बस आपको एक्सपीरियंस और जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग रहेंगी वैकेंसी के अनुसार। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो डेली ऐसी हमारी चैनल से जुड़े रहें, आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने धन्यवाद।